हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2020 में पूछे जा सकते हैं। इसके पहले मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में अनाउंसमेंट करना है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पेपर टू का मैं लॉन्च कर रही हूँ 22 मार्च से, और इसके बारे में मैं डिटेल्स दे देती हूँ। मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही है। ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इसमें टोटल 10 टेस्ट पेपर्स रहेंगे और इस तरह से टेस्ट पेपर्स के कोड रहेंगे। फर्स्ट टेस्ट पेपर का कोड 20AC01 है, सेकेंड टेस्ट पेपर का कोड 20AC02 है, इस तरह से। और इस टेस्ट पेपर को बाय करने का तरीका ये है कि जो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है, वो लिंक आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये लिंक टेस्ट पेपर्स का लिंक है, इसको क्लिक करोगे तो आप इंस्टामोजा की वेबसाइट में पहुंच जाओगे और वहां से आप टेस्ट पेपर बाय कर सकते हो। ओके, तो ये तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात हो रही है। मगर यदि किसी को ऑफलाइन अटेम्प्ट करना है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9582674046। ऑफलाइन में भी सेम पेपर रहेगा जो ऑनलाइन में रहेगा। ओके, बस अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी इंस्टीट्यूट बंद है, पूरे दिल्ली में बंद है अभी इंस्टीट्यूट, इसलिए अभी क्लासेस सस्पेंडेड है। टेस्ट भी जो हमने कंडक्ट करवाना था वो भी पोस्टपोन हो गए हैं, तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, एकदम अनसर्टेनिटी की स्टेट में है हम लोग। तो मगर फिर भी आप कांटेक्ट कर लेना यदि आप ऑफलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करने में इंटरेस्टेड हो। अब देखिए, लिंक इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको सैटरडे को शाम को 6 बजे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तीन लिंक मिलेंगे, और ये तीनों लिंक आपका टेस्ट पेपर्स का होगा। तो जो फर्स्ट लिंक होगा वो क्वेश्चन बुकलेट का होगा, यानी एक टेस्ट पेपर का आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा फर्स्ट टेस्ट पेपर का, और उसकी फीस रहेगी 324 रुपीज़। तो क्वेश्चन बुकलेट वाला लिंक में वही क्लिक करेंगे जिसको आंसर्स लिखने हैं और अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करवाना है मुझसे। तो तरीका यही है, आप लिंक में क्लिक करो, आप क्वेश्चन बुकलेट को बाय करो, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट की सुविधा नहीं है, A4 शीट लेकर दोनों तरफ मार्जिन खींच के अपने आंसर्स लिखो। कैम स्कैनर से सारे आंसर्स की अच्छे से फोटो खींच के PDF में मर्ज करके आप मेरे ईमेल आईडी में सेंड कर दोगे। ईमेल आईडी आपको क्वेश्चन बुकलेट में ही मिल जाए। उसके बाद मैं आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करूंगी, फीडबैक दूंगी, स्कोर दूंगी, और उसी टेस्ट पेपर का मॉडल आंसर्स और आपके रिव्यूड आंसर स्क्रिप्ट आपके मेल में पहुंच जाएंगे विद इन 1 वीक। ओके, जिसको अपने आंसर्स को इवैल्यूएट नहीं करवाना है वो सीधे आंसर बुकलेट में क्लिक करे। 164 रुपीज़ है एक आंसर बुकलेट का, यानी फर्स्ट टेस्ट पेपर के आंसर्स का 164 रुपीज़ है। जिसको सिर्फ आंसर्स लेना है इसमें क्लिक करेंगे, बाय करो, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो। फर्स्ट फर्स्ट 5 टेस्ट पेपर्स के आंसर बुकलेट की लिंक ये है, और इसकी फीस 820 है। ओके, जिसको एक बार में 5 टेस्ट पेपर्स के आंसर्स चाहिए वो इस लिंक में क्लिक करेंगे। फाइन, अब हम बात करते हैं ऐसे एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की जो यूपीएससी सीएपीएफ 2020 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन ब्लू में दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैंने 2019 में पूछे थे जो कि एग्जाम में नहीं आए थे, मगर वो इम्पोर्टेंट थे और आ सकते हैं इस बार। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, पहला है ई वेस्ट मैनेजमेंट अ चैलेंज टू पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। इस पे प्रिपेयर कर लेना, वैसे भी सारे वर्ल्ड नेशंस वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ई वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है अर्बन फॉरेस्ट्री कैन हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज। ये मैंने लास्ट ईयर दिया था। वैसे भी फॉरेस्ट पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट फायर की वजह से, ऑस्ट्रेलिया में जो फॉरेस्ट फायर हुआ है इसकी वजह से फॉरेस्ट एज सच ये इंपॉर्टेंट है। बस यही कि फॉरेस्ट को आप कैसे कनेक्ट करोगे इन्वायरमेंट से, फॉरेस्ट को कैसे कनेक्ट करना है इकोनॉमी से, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है इंडियाज प्रोग्रेस इन ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज। जो UN एमिशन गैप रिपोर्ट आई है 2019 की, उसमें इंडिया ने
ओवर अचीव किया है टारगेट, सभी नेशन को ये टारगेट दिया गया था अपने कंट्री का जो कार्बन एमिशन है उसको आप रिड्यूस करो, तो इंडिया ने इस टारगेट को ओवर अचीव किया। इस रिपोर्ट से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? ऑब्वियसली रिपोर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ये जो यूएन एमिशन रिपोर्ट है उस पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट से बहुत सारे एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने बनाया है इस पर, इंडियाज प्रोग्रेस इन ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ऑब्वियसली अगर इंडिया ये टारगेट को ओवर अचीव कर पाया है, वो इसलिए कर पाया है क्योंकि इंडिया एनर्जी को हार्नेस करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है, जैसे विंड मिल है, सोलर पावर है, राइट। नेक्स्ट, आर रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल? तो ये भी जो क्वेश्चन डिराइव हुआ है वो इसी रिपोर्ट से हुआ है, यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट से। तो इंडिया जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है या रिन्यूएबल एनर्जीज यूज कर रहा है, क्या वो सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना और लॉन्ग लास्टिंग होना। अपने ऐसे में ये आपको देखना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज है वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है कि नहीं, लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं और एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं। वैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली होना ही चाहिए, मगर फिर भी आप एक बार गूगल में अच्छे से सर्च कर लेना। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप गूगल में अच्छे से सर्च करो, एक्सप्लोर करो, इस पर कंटेंट गैदर करो। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे फर्स्ट 5 टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने अभी से रिलीज कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से इस पर प्रिपेयर कर लो। और ये जो ब्लू टिक वाला है वो 2019 वाला है जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मैंने दिया था। नेक्स्ट, बिग फॉरेस्ट कवर्स बिल्ड सस्टेनेबल इकोनॉमीज। तो फॉरेस्ट्री पे हमारा 2 क्वेश्चन आ ही गया है। ये फॉरेस्ट्री हमने एनवायरमेंट से रिलेट किया है, यहाँ पे फॉरेस्ट हमने इकोनॉमी से रिलेट किया है। ओके, मैंने फर्स्ट 5 टेस्ट पेपर्स में एनवायरमेंट बेस्ड आर्गुमेंट क्वेश्चन मैंने नहीं फ्रेम किया है फर्स्ट 5 टेस्ट पेपर्स। रिपोर्ट के क्वेश्चंस हैं, जो ब्लू में देख रहे हो वो 2019 में मैंने पूछा था और वो अभी भी इम्पोर्टेंट है। अब ये वाला जो है ये आपका फर्स्ट 5 टेस्ट पेपर्स के हैं रिपोर्ट क्वेश्चन एनवायरमेंट बेस्ड। ई फ्लो नॉर्म्स फॉर द रिवर गंगा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कुछ हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट जो है वो ई फ्लो नॉर्म्स जो है वॉयलेट कर रहा है, इसलिए मैंने इस पर एक रिपोर्ट क्वेश्चन बना दिया है। प्लास्टिक बैन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोदी ने अनाउंस किया था 2019 को इंडिपेंडेंस डे के दिन कि पूरे इंडिया में प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा 2 अक्टूबर से, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ इंडिविजुअल स्टेट्स है जैसे केरला है, अपने अपने स्टेट में प्लास्टिक को बैन करवा दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जल शक्ति अभियान इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन वाटर स्ट्रेस पे पूछा गया था, जो वाटर स्ट्रेस सिचुएशन इंडिया फेस कर रहा है उस पे पूछा गया था, इस बार भी हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी है आने की। नेक्स्ट है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बार रिवर क्लीनिंग, रिवर पोल्यूशन, ये सब पे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। फिफ्थ है ग्रीन क्रैकर्स, ये भी मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, हालांकि मुझे 2019 में बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था, मगर फिर भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना। अर्बन हीट आइलैंड बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर भी इम्पोर्टेंट था, इस बार भी इम्पोर्टेंट है, नहीं आता है तो नेक्स्ट ईयर भी इम्पोर्टेंट होगा। सिंस ये एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है तो एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एवरग्रीन होते हैं। नेक्स्ट है स्पेस डेब्रिस, ये भी एनवायरमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है, मगर ये स्पेस के एनवायरमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है। ये लास्ट ईयर बहुत इम्पोर्टेंट था, मुझे लग रहा था कि कुछ स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मगर नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। लास्ट ईयर एंटी सैटेलाइट टेस्ट इंडिया ने किया था, तो जब हम एंटी सैटेलाइट टेस्ट करते हैं तो स्पेस में करते हैं, तब हम कोई ना कोई सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कोई ना कोई सैटेलाइट को यूजलेस सैटेलाइट है जो
काम में नहीं आ रहा है वो सैटेलाइट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो बेसिकली ये एंटी सैटेलाइट वेपन है जो दूसरे देश के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो जब सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उन सैटेलाइट के जो टुकड़े होते हैं, जिसको आप मलबा कह सकते हो, इंग्लिश में रबल कहते हैं, उसके टुकड़े स्पेस में फ्लोट करते रहते हैं. और इसी पर मूवी भी बनी थी ग्रेविटी, अगर किसी ने देखा होगा तो. और ये जो सैटेलाइट के टुकड़े होते हैं, जो सैटेलाइट यूज में आ रहा है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इतने स्पीडली ये फ्लोट करते हैं स्पेस. छोटे आकार के भी होते हैं, बहुत बड़े आकार के भी होते हैं. ये पूरे के पूरे बड़े से बड़े सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं. इसीलिए स्पेस डेब्रिस भी इंपॉर्टेंट है.